श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं धरती पर। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को डोट दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ वक्त ही समझता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रूला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रूला नहीं रही, आपको सीखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, इन दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपना खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुकी है, यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जांच सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार था। वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। अगर वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा, अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोर लो, हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। यह एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है।
माफी के हकदार होने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता ना करें। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखा भी की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी में अकेला रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़कर सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनोज से सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने दो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगा दिए, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे हैं आप है, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट पर वो स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरगिराने सेना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात आपको बुरी लगी तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी है बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मानी मानुष से माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारे चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई थी।
वह उस आस्था में झोपड़ी की ओर चल पा रहा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था। यदि पानी हैंडपंप में डाला और नहीं चला तो सही तो ये हुआ कि बोतल का पानी पीकर वहाँ से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया, उससे ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापसी उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उतारा था। वो वहां से निकल ही रहा था। झोपड़ी के कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वो नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हुआ रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर भरोसा रखें। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसी चलाया, तब कहीं जाकर